तो गाइस आज के स्मैकडाउन पर काफी बढ़िया यहाँ पर प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ जिमी ओसो और रामेज उनके साथ साथ यहाँ पर जी ओसो भी आए हुए थे। फाइनली रामरेंज और जिमी ओसो के साथ यहाँ पर जी ओसो भी आज अलायंस हो चुके हैं। तो गाइस क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन पर यहाँ पर ब्लड लाइन को लेकर, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर शो की शुरुआत होती है, जिमी ओसो और रामरेंज यहाँ पर दोनों साथ में रिंग में आ जाते हैं और यहाँ पर जिमी ओसो प्रोमो सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। तभी यहाँ पर जिमी ओसो रामरेंज से बोलते हैं कि सभी चिंता छोड़ो और यहाँ पर जी ओसो को कॉल करो और यहाँ पर उसको एक्नॉलेज करो, जिससे कि हम क्राउन ज्वेल में आसानी से जीत सके सोलो सिकोका, क्योंकि सोलो सिकोका इस समय देख रहे हो कि अत्याचार बढ़ते जा रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर रामेज जैसे ही हाथ में माइक लेते हैं और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, तभी वहीं पर थीम सॉन्ग प्ले होता है जी ओसो का और जी ओसो यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। हालांकि गाइस आज जी ओसो के सामने यहाँ पर रामेज भी फीके पड़ गए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से चैंटिंग हो रही थी ईट ईट, ये नेक्स्ट लेवल का था। फिर उसके बाद यहाँ पर हाथ में माइक लेते हैं जी ओसो और बोलते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर सोलो सिको यहाँ पर फैमिली को खोखला कर रहा है और वो खुद यहाँ पर फैमिली के नाम पे एक धब्बा है, क्योंकि वो फैमिली को काफी पूरी तरह से बिगाड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जी ओसो ये भी बोलते हैं कि अब वो वाली फैमिली नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी हम लोगों की जैसा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जी ओसो ये भी बोलते हैं कि अगर हम लोग साथ हो जाएं तो फैमिली एक बार फिर से ठीक कर सकते हैं। हालांकि गाइस यहाँ पर जी ओसो और भी काफी सारी बात करते हैं यहाँ पर ब्लड लाइन के बारे में, किस प्रकार यहाँ पर ब्लड लाइन मेंटली फिजिकली और सोशली यहाँ पर अत्याचार कर रही है हम लोगों का। उसके बाद गाइस यहाँ पर जी ओसो जैसे ही समाप्त होते हैं, उसके बाद यहाँ पर बारी आती है रामेज और रामेज यहाँ पर कुछ समय थोड़ा सा ठहरते हैं और फिर बोलते हैं कि इट। रामेज का ये बात सुनकर यहाँ पर जिमी ओसो और जी ओसो यहाँ पर खुश होकर यहाँ पर झूमने उठते हैं और तभी गाइस यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से काफी जोरों से चैंटिंग होने लगता है इट इट इट। उसके बाद यहाँ पर तीनों लोग मिलकर ब्लड लाइन की तरह यहाँ पर तीनों लोग एक्नॉलेज करते हैं हाथ ऊपर करके और यहाँ पर ऑडियंस भी उनके साथ यहाँ पर एक्नॉलेज करती है। तो गाइस कुछ इस प्रकार आज के स्मैकडाउन पर देखने को मिला, तो यहाँ पर ब्लड लाइन एक बार फिर से फाइनली रियूनाइट हो चुकी है। तो गाइस अब इनका यहाँ से अगला स्टेप होगा ब्लड लाइन की तरह, अब देखना ये होगा आखिर किस तरह यहाँ पर रेलवे चलने वाली है इनके बीच।